अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद रियाज, रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा लाहौर। आज हम एक नया केस लेकर आए हैं। ये एक भैंस है, इसकी गर्दन में एब्सेस बना हुआ है, फोड़ा बना हुआ है। तो ये कई दिनों से ये बहुत ज़्यादा यानी कि तकलीफ़ और दर्द की वजह से ये चारा भी कम खा रही है और भैंस आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर भी होती चली जा रही है। तो कस्टमर ने हमें फ़ोन करके बुलाया कि ये भैंस देखो, इसका क्या मसला है, इसका क्या इलाज करना पड़ेगा। मैंने बहुत बहुत चीज़ें ऊपर लगाई हैं, क्योलिन पुलटस भी लगा ली है और इसके साथ कोई गर्म टकोरे वगैरह भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये खुद बहुत नहीं लीक हुआ। तो आप देखिए, अगर इसका ऑपरेशन हो सकता है तो कर दें। तो मैंने अगर देखा तो देखने से हमें पता चला कि ये बिल्कुल अंदर से जो है ना मुकम्मल तौर पर क्रोनिक जो एब्सेस होता है उसकी अलामत बनी हुई थी। तो हाथ रखने से ठंडा था, दबाने से नरम था, अंदर से जो पीप थी वो बिल्कुल गाढ़ी थी और जमी हुई पीप जब निकली तो स्मेल और बदबूदार जब निकली तो ये भैंस को काफ़ी हद तक रिलीफ मिला, सुकून मिला। तो हमने 11 नंबर प्लेट के साथ हमने जो एब्सेस की दरमियान वाली जगह पे हमने तकरीबन 1 इंच से 2 इंच तक कट दिया। पहले हमने पायोडीन का पेस्ट किया, पायोडीन का पेस्ट करने के बाद हमने 11 नंबर ब्लेड को इस तरीके के साथ हमने एब्सेस के ऊपर रखा ताकि ऊपर से जो वेन्स कैपरीज की छोटी छोटी वेन्स होती हैं या फिर वेन्स नाड़ का जो हम ख्याल रखते हैं ताकि खून की नाली जो है ना वो कट ना जाए। अगर ब्लड की वेन्स कट जाए तो खून का जो अखराज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बेकाबू हो जाता है, हती कि फिर स्टिचिंग वगैरह करना पड़ती है जिसकी वजह से खून की कमी की वजह से एनीमिया या फिर बेहतियाती की हम कह सकते हैं कि बेहतियाती से ही सर्जरी की गई। तो हमने बड़ी एहतियात के साथ इसकी सर्जरी की, अनब्लडलेस, ब्लड का बिल्कुल एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। तो हमने सबसे पहले इसकी तशखीस की, डायग्नोस की और इसका देखा तो इस जगह का हमने इंतखाब किया तो जहाँ से बहुत ज़्यादा यानी कि नरम था और स्किन के ऊपर से हमने 11 नंबर ब्लेड की नोक रखी। नोक अंदर रख कर हमने थोड़ा सा जो स्किन के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद ही हमने जब देखा तो अंदर से गाढ़े कलर का जो है मवाद निकलना शुरू हो गया। ये दरअसल पायोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि इन्फेक्टेड शुदा जो पीप थी, रेशा था वाइट कलर का, ये निकल रहा था। तो जब हमने निकाला तो जो जगह उभरी हुई थी जगह वो बिल्कुल बराबर हो चुकी थी। तो फिर भी हमने ये फैसला किया कि इसको पायोडीन के साथ, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, बैंडेज के साथ हमने तर करके हमने इसके सुराख ज़ख्म के ज़रिए जो हमने कट लगाया था उसके ज़रिए हमने बैंडेज को इंजेक्ट कर दिया। 3 से 4 दिन तक हम इंजेक्ट करेंगे, साथ हम इंजेक्टेबल तौर पर कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, इसमें पेन किलर आ जाता है, मलोक्सिकम लगा देते हैं और एंटीबायोटिक की शक्ल में हम स्टेप्टोपेंसिलिन के इंजेक्शन दे देते हैं और एंटी एलर्जिक के तौर पर हम मेप्रासन के इंजेक्शन देते हैं। 10 ml हमने मेप्रासन के इंजेक्शन दिया और स्टेप्टोपेंसिलिन 1 ग्राम के इंजेक्शन दिया, पेन किलर के तौर पर मलोक्सिकम हमने 15 ml का इंजेक्शन दिया और ये मुसलसल 3 से 4 दिन तक देंगे। ये असल में हुआ क्या, तो ये जब इंजेक्शन लगाते हैं इंट्रामस्कुलर तो अक्सर जो डॉक्टर होते हैं या फार्मर ख़ुद भी इंजेक्शन लगा लेते हैं तो फिर डीपली नहीं लगाते, यानी कि मोक्सिसिलिन या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एलए टाइप जो जितने भी गाढ़े टीके होते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग वाले जो इंजेक्शन होते हैं उनको डीप करके इंजेक्शन लगाया जाता है और एक ही जगह में 20 ml लगाना चाहिए। एक जगह पर अगर आप 50 ml इंजेक्शन देंगे तो अक्सर एब्सेस बनने का ख़तरा जो होता है वो ज़ाहिर होता है। तो ये देखें, हमने बैंडेज के साथ हमने इसको इंजेक्ट कर दिया और बाद में हमने इसके ऊपर पायोडीन लगा दी।